हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टेक सब कुछ चैनल। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा नया टैबलेट लूं या कौन सा नया अपकमिंग टैबलेट आने वाला है। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी न्यूज सामने आ गई है। तो रियलमी अपना एक नया टैबलेट लॉन्च करने वाला है जिसके फर्स्ट लुक सामने आ गए हैं। इसमें स्पेक्स वगैरह क्या होने वाले हैं ये भी ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है। और वहीं शाओमी भी अपना मी पैड 5 को इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं जिसके सभी कन्फर्म फीचर निकल कर आ गए हैं, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक नया टैबलेट लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने Amazon और Flipkart पर जो सेल चलने वाली है उसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो किया हुआ है, तो वो वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी 2 साल पहले तक कोई भी टैबलेट की बातें नहीं करता था। अगर हमें कोई टैबलेट देखने को मिलती थी वो या तो एप्पल कंपनी की होती थी या फिर सैमसंग कंपनी की हमें देखने को मिलती थी। बट अब काफी सारे नए नए टैबलेट देखने को मिलेंगे इंडिया में जो कि 20,000 की प्राइस के अंदर ही लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से रियलमी अपना रियलमी पैड जल्द ही लॉन्च करने वाला है। वहीं इस टैब को अभी IMDI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा गया है, जिसमें कि ये टैब LTE और Wi-Fi वेरिएंट में लॉन्च किए जाएंगे। वहीं बात करें इस टैबलेट के कुछ कंफर्म फीचर की, तो इस टैबलेट में हमें 10.4 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वहीं इस टैब में एल्युमिनियम बॉडी फिनिश दी जाएगी, जिसमें कि सिंगल रियर कैमरा सेटअप और बॉटम में रियलमी की ब्रांडिंग होने वाली है। और ये टैब ओनली 6.5 mm थिकनेस के साथ में आएगा, जो कि एक टैबलेट के अकॉर्डिंग काफी कम थिकनेस है। वहीं इस टैबलेट का देखने में लुक बिल्कुल iPad जैसा ही लग रहा है। बाकी आप लोग बताओ कि आपको इसका डिजाइन कैसा लगा है। नाउ बात करें अभी इस टैबलेट के कैमरा की, तो इस टैबलेट के रियर में हमें सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 8 MP का होगा, और इसके फ्रंट में भी 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही 8 MP के होने वाले हैं। तो यहाँ पर कैमरा सेटअप इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला। इसके अलावा बात करें इसके रैम और रोम की, तो इसको 2 वेरियंट में लॉन्च किया जा सकता है, 4+64 GB और 6+128 GB, जिसको कि आप मेमोरी कार्ड के जरिए एक्सपेंड भी कर पाएंगे। और ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर मिलेगा, जिसमें कि रियलमी UI 2.0 रन करेगा। नौ बात करें बैटरी की, तो ये भी कंफर्म हो गया है कि रियलमी पैड में हमें 7100mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि काफी बड़ी बैटरी है। और इसके बॉक्स में हमें 20W का एडाप्टर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अदर कनेक्टिविटी फीचर की बात की जाए, तो इसमें डुअल सिम, 3.5 mm हेडफोन जैक, USB टाइप सी, क्वाड स्पीकर होंगे और फेस अनलॉक जैसे फीचर इसमें दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि IDMA सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लीक हुआ है, तो यहां पर हमें 2 वेरियंट इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि विदाउट सिम और विद सिम 2 वेरियंट में होगा। यानी कि विद सिम वाला आपको Wi-Fi बेस्ड मिलेगा, जिसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो सकती है। इसके अलावा बात करें इस टैबलेट के प्रोसेसर की, तो ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर हमें देखने को मिलेगा, ना ही अभी तक कहीं से लीक निकल कर आई है कि इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया जाएगा। बट ये कंफर्म है कि इसमें हमें 4G प्रोसेसर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अदर फीचर को देखा जाए तो इसमें 4G प्रोसेसर ही हमें देखने को मिल सकता है। वहीं इसके प्राइस और लॉन्च की बात की है, तो रियलमी इस टैबलेट को अगस्त के बाद ही लॉन्च करेगी। उससे पहले रियलमी अपना रियलमी नोटबुक यानी कि रियलमी लैपटॉप को लॉन्च करने वाली है। इसकी प्राइस की बात की है, तो इस टैबलेट को रियलमी 20,000 के अंदर ही लॉन्च करने वाली है। यानी कि इसका Wi-Fi वेरिएंट हमें 15,000 से 20,000 के बीच में देखने को मिलेगा, और LTE वेरिएंट इसका 20,000 से ऊपर होने वाला है। वहीं इसके कंपटीशन में Xiaomi भी अपना Mi Pad 5 को इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिसको कि पहले चाइना में लॉन्च किया जाएगा। इसके हाईलाइट फीचर की बात की जाए, तो इसमें 10.95 इंच का फुल HD प्लस LCD स्क्रीन देखने को मिलेगा, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। स्नैपड्रैगन 875G चिपसेट दिया जाएगा, 48 MP का कैमरा होने वाला है, 8720mAh की बैटरी दी जाएगी, जिसको कि आप 67W फास्ट चार्जिंग से चार्ज कर पाएंगे। तो यहां पर Mi Pad 5 में काफी तगड़े स्पेक्स देखने को हमें मिलते हैं। हालांकि चाइना में इसको 3 वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि हमें स्नैपड्रैगन 870, 860 और 768 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं इंडिया में कौन सा मॉडल लॉन्च किया जाएगा ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बाकी Mi Pad 5 की जैसे ही इंडिया की कोई भी न्यूज आती है तो मैं आप लोगों को जरूर से अपडेट कर दूंगा। वहीं आप कौन सा टैबलेट लेने की सोच रहे हैं बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय।